सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर. ठीक है, हमने पहले स्टार्ट कर लिया है. इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, फ्रॉम नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट. कुछ स्कूल के चिल्ड्रन ने एग्जीबिशन को विजिट किया हैंडीक्राफ्ट यानी कि हैंडमेड क्राफ्ट. ठीक है, द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बहुत अलग अलग पार्ट से कंट्री के कलेक्ट की करके आर्टिकल्स को एग्जिबिट किया था. ठीक है, तो मोना ने वहाँ से एक बैग उठाया और कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, कितना खूबसूरत हैंड बैग है. यस इट इज़ मेड अप ऑफ जूट. उसकी टीचर ने कहा, हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये जूट से बना हुआ है. डू यू सी दोज बास्केट्स लैम्प शेड एंड चेयर. क्या तुम्हें वो बास्केट लैम्प शेड और चेयर दिख रही है. दोज आर मेड अप ऑफ केन्स एंड बैम्बूज. वो केन्स और बैम्बूज से बने हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बूज ग्रोज इन प्लेंटी. तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में इंडिया के जो बैम्बू हैं वो बहुत बुरी तरह ग्रो होते हैं, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो होते हैं. ठीक है, तो उससे क्या बनाया इन लोगों ने, चेयर बनाया, लैम्प शेड बनाया और बास्केट बनाई है. बैम्बू की बास्केट देखी होगी आपने, राइट. जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्काफ. जैसी ने सिल्क स्काफ देखा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, अच्छा लगा उसे. सी दिस ब्यूटीफुल स्काफ, उसने कहा, देखो ये ब्यूटीफुल स्काफ कितना अच्छा लग रहा है. उसकी टीचर ने कहा कि ये सिल्क से बना हुआ है और सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है. दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज, जो कि ब्रेड होते हैं, जो कि रहते हैं मलबरी ट्रीज पे. ठीक है, द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ. तो बच्चों को इससे क्या पता लगा कि प्लांट्स हमें बहुत ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में काम आती हैं हमारे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ओनली एग्जिस्ट इन द नैरो जोन. सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू यू नो प्लांट्स. ओके, एंड वाइल्ड लाइफ इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स. ठीक है, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, जैसे स्पेशली मैमल्स, फिशेज. ठीक है, और मतलब ह्यूमंस नहीं आते हैं वाइल्ड लाइफ में, और स्पेशली ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि पेट नहीं है. ठीक है, जो कि पालतू नहीं है, दे आर वाइल्ड. ओके, और वेजिटेशन होता है किसी चीज़ को उगाना या मतलब के पेड़ पौधे होना. ठीक है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लोरा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर. तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सिर्फ बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंटरेक्शन से बनता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के. ठीक है, इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. बायोस्फेयर जो है यानी कि लाइफ का डोमेन, बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर मीन्स डोमेन. तो लाइफ के डोमेन में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लोग रहते हैं, जो लोग जिंदा हैं, जिनमें लाइफ है, वो इंटर रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं और आपस में डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए. ठीक है, सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम. और इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. अब हमें पता चल गया है कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स. अब ये क्या है, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम की ब्रीथ कर सकें, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. जितने प्लांट्स लगाओगे उतनी भूमि कटाव कम होगा, राइट. वो सॉइल जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है उसको सेव करता है ये. ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उसको, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट और हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, क्योंकि अगेन सॉइल होगी तो वहाँ पे यू नो अगर पेड़ होंगे, वेजिटेशन होगी तो वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे अपने जड़ में, और अगर सॉइल होगी तो मॉइस्चर होगा. ठीक है, तो इसलिए अंडरग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं है वहाँ पे. ओके,
और क्या देते हैं हमें, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल यूज़ में आते हैं, और पेपर भी देते हैं जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज आर इननम्बरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स। ये बहुत सारे ऐसे यूज़ और हो सकते हैं प्लांट्स के। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और वो जीव आते हैं जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स, हाइड्स का मतलब होता है खाल, ठीक है, खाल देते हैं और वूल देते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जैसे कि बी, ठीक है, मधुमक्खी हमें क्या देती है, शहद देती है। ठीक है, और हेल्प करती है पॉलिनेशन में फ्लावर्स की, ठीक है, ताकि और फ्लावर्स खिल पाएँ, और एक इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर भी है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। तो किसी चीज़ को डीकम्पोज करना, किसी चीज़ को मतलब कि यू नो ख़त्म कर देना खा के, ऐसा कुछ। तो जो बर्ड हैं वो इंसेक्ट्स को खाती हैं और उन्हें ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, और जो वल्चर हैं, वल्चर मीन्स गिद्ध, ठीक है, तो इसकी एबिलिटी के कारण फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इन इज़ आ स्वेंजर एंड कंसिडर्ड आ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करती है, क्योंकि ये डेड लाइफ स्टॉक को खा जाती है, तो ये एक तरह से यू नो इकोसिस्टम को साफ करती है। ठीक है, एक एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखो स्केवेंजर, स्केवेंजर का मीनिंग होता है सफाई करने वाला। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम को सफाई करती है, क्यों, क्योंकि ये डेड लाइफ स्टॉक को खा जाती है। ठीक है, सो एनिमल्स जो होते हैं, बिग हो या स्मॉल हो, ये सारे यू नो मेंटेन करते हैं बैलेंस एक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, गिद्ध जो है इंडियन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहती है, वो मर रही थी किडनी फेलियर से, क्योंकि वो सफाई कर रही थी लाइव स्टॉक की, उन चीज़ों को खा रही थी वो जिनमें कि केमिकल्स थे। ठीक है, और केमिकल्स क्या थे, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेन किलर है जो कि बिल्कुल आइब्रोप्रोफेन या एस्पिरिन की तरह है। ठीक है, तो इसे बैन कर दिया गया बाद में, ताकि वल्चर्स ना बने, ना मरे, सॉरी। ठीक है, तो वल्चर्स की ज़िंदगी बचाने के लिए ये जो चीज़ है इसको बैन कर दिया गया, ताकि अगर ये लाइव स्टॉक खाएं तो वल्चर्स बच जाएं। ठीक है, और ये क्या था, डाइक्लोफिनेक था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, तो ये हम पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब इसकी ग्रोथ काहे पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। मेजर वेजिटेशन के टाइप्स क्या क्या बताए हमें, फॉरेस्ट बताई हैं, ग्रासलैंड बनाई हैं, श्रब्स बताई हैं एंड टेंडर बताए हैं। देखो, फॉरेस्ट ये है बड़े बड़े पेड़, ग्रासलैंड ये है जहाँ पर बहुत दूर तक ग्रास हो। ठीक है, श्रब्स होते हैं जो ग्रास से थोड़ा ऊपर होते हैं बट पेड़ों से नीचे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गार्डन में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, झाड़ियाँ टाइप। और टंडर ये होते हैं जहाँ पे ट्रीलेस रीजन होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे ट्री नहीं होते हैं और यहाँ पे मोस्टली क्या होती है, स्नो होती है। ठीक है, विद अ बिट ऑफ समर। सो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। ठीक है, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो एसोसिएटेड हैं उन एरियाज से जहाँ पे वाटर की अबंडेंटली सप्लाई है। ठीक है, सो अब क्या है, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, जैसे कि मॉइस्चर का अमाउंट डिक्रीज होता है, जो पेड़ों का साइज़ है वो भी कम होने लगता है और उनकी डेंसिटी भी कम होने लगती है। डेंसिटी मतलब ये समझ लो कि उनका नंबर, ठीक है, कि नंबर ऑफ ट्रीज, तो वो भी कम हो जाते हैं। शॉर्ट स्टंटन ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग इन द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं, ग्रासलैंड्स में वो पेड़ आते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, जिनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है,
ऐसे ट्रीज़ और ग्रासेस ग्रो होते हैं मॉडरेट रेनफॉल में, जहाँ ठीक ठाक रेन हो, ज़्यादा ना ज़्यादा कम हो, जहाँ ज़्यादा ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये इन्हें हम ऐसे एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल। अब ये जो श्रब्स हैं या थॉर्नी श्रब्स मतलब के कांटों वाले श्रब, ठीक है, ये ड्राई एरियाज में या जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे ग्रो होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स, ऐसे एरियाज में प्लांट की डीप रूट होती हैं और जो लीव्स हैं मतलब के वहाँ पे कांटे होते हैं, ठीक है, और वैक्सी सरफेस होता है इनका, ताकि ये रिड्यूस कर सके मॉइस्चर का जो लॉस है उसको, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर मेंटेन कर सके तो ट्रांसपीरेशन। तो अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पहले ही रेनफॉल कम है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मॉइस्चर को बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो पेड़ तो वैसे ही मर जाएगा। अब क्या है, थंडर वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेज एंड लाइकन्स। मॉसेज और लाइकन्स आपने साइंस में पढ़े होंगे, तो जो मॉसेज एंड लाइकन्स हैं ये होते हैं थंडर वेजिटेशन में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि थंडर वेजिटेशन ट्रीलेस रीजन्स होते हैं जहाँ पे मोस्टली स्नो होती है और थोड़ी बहुत धूप भी होती है, ठीक है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन वर देयर टू सेंचुरीज बैक। आज बहुत ज़्यादा लोग हैं एज कम्पेयर टू दो सेंचुरीज, यानी कि 200 साल पहले जितने लोग थे उनसे आज बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इन सबको फीड करने के लिए, इन सबको खिलाने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको हम कट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप्स बनाने के लिए, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। जो फॉरेस्ट कवर करती हैं वर्ल्ड में, जो एरिया है जो कि हम फॉरेस्ट को डेडिकेट करते हैं कि हाँ ये फॉरेस्ट है, वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो घर भी बनाने हैं, ब्रिजेस भी बनेंगी, रोड्स भी बनेंगी, फिर उन्हें क्रॉप्स भी चाहिए खाने के लिए, तो उन्होंने क्रॉप्स भी उगाने हैं, तो वो पेड़ काटे जा रहे हैं, ओके। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। बट यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है इस रिसोर्स को कंजर्व करने की, ओके।